अकल हमेशा का जो भ्रमण हुआ उससे क्या परिवर्तन? मैं कल उड़ीसा में उनका दौरा था, बहुत बढ़िया जनसभा था, लोग अच्छा थे, मूड अच्छा था, भाषण भी अच्छा हुआ। लगता है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सरकार बनेगा और देश में भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में एनडीए का सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे। दूसरी तरफ में विरोधी कह रहे हैं कि एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से क्या एकजुट, एकजुट का मतलब क्या है, इस एकजुट का मतलब क्या है? इस एकजुट का कोई मतलब नहीं है। ये एकजुट पहले से भी थे और होने दीजिए, कोई चिंता नहीं। हम भी एकजुट है, हम लोग भी एकजुट है। कांग्रेस का नेतृत्व में कितना ताकतवर लड़ाई दे सकते हैं देखा जाएगा, हमारा नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में कितना ताकतवर लड़ाई हो सकता है देखो। सर दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, पहले तय करे ना उनका कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रश्न प्राइम मिनिस्टर का है। दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको ममता बनर्जी सपोर्ट करेगा, उसको अगर आपका बाकी पार्टी लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो बनेगा ना। मायावती तो बोल दिया हम तो नहीं करेंगे, अखिलेश तो बोल दिया हम नहीं करेंगे, तो क्या इस गठबंधन का मतलब क्या होता है? दूसरी ओर राज्यसभा का जो चुनाव नहीं, राज्यसभा के बारे में मैंने नहीं, पार्लियामेंट का जो नहीं, राज्यसभा के बारे में ठीक है सर। ये लोकसभा का जो सांसद चल रहा है सर, अभी इस विषय सांसद जो लोकसभा का अधिवेशन पार्लियामेंट सेशन जो होगा अच्छा चलेगा, हम उम्मीद रखते हैं कि विरोधी वाला हमको सहायता करेंगे काम काज करने में। आखिरी पार्लियामेंट सेशन है तो इसलिए शांतिपूर्वक चलाने में वो सहयोग करे, ऐसा मैं अपील करता हूँ। सर दूसरा बात सर बजट है, जनजाति को काफी जनजातियों का बजट, जनजाति में बजट तो हम बजट को एडवांस कैसे बताएंगे सर, बजट प्लेस होने के बाद सर जैसा 11 जाति गोरखाओं का है पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा इसका एक माहौल, वो कमेटी में है, वो कमेटी का इसमें है, विचाराधीन है, कभी भी उसको हम कर सकते हैं, कभी भी उसको कर।